चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। पंजाब राज्य की सांस्कृतिक राजधानी अमृतसर से लगभग 30 किलोमीटर पूर्वोत्तर में अमृतसर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बटाला बाईपास तिराहा दिखाई पड़ता है, जहां से उत्तर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग बटाला बाईपास एवं पूर्वोत्तर में मुख्य सड़क बटाला शहर की ओर प्रवेश करती है। इस सड़क को शहर में अमृतसर रोड के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान में राज्य के 13 नगर निगमों में एक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से गुरदासपुर जनपद में सम्मिलित बटाला शहर लगभग 1,80,000 की विशाल जनसंख्या रखता है। बटाला पंजाब राज्य का 12वां सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। यह गुरदासपुर जनपद का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। यहाँ स्थानीय वाहनों को क्रमांक PB18 से पहचाना जाता है। शहर की स्थापना 1465 ईस्वी में राजा रामदेव ने की थी। कालांतर में मुगल शासन के समय में अकबर ने इसे अपने पालक भाई शमशेर खान को जागीर के रूप में सौंपा। शहर में प्रवेश करने के पश्चात रेलवे स्टेशन तिराहा दिखाई पड़ता है। यहां से उत्तर की ओर जाने वाली सड़क पर लगभग 0.5 किलोमीटर की दूरी पर बटाला जंक्शन रेलवे स्टेशन का परिसर स्थित है। बटाला से होकर अमृतसर पठानकोट रेलमार्ग गुजरता है, साथ ही यहां से एक रेलमार्ग कादियां की ओर जाता है। रेलवे स्टेशन तिराहा से अमृतसर रोड गांधी चौक की ओर बढ़ जाता है। 1485 में बटाला में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का विवाह मूलचंद चौना की बेटी सुलखना से हुआ था। उनके विवाह से जुड़े कई गुरुद्वारे एवं मंदिर आज भी शहर में मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए शहर का सबसे व्यस्त चौराहा गांधी चौक दिखाई पड़ता है। गांधी चौक से उत्तर में डेरा बाबा नानक रोड, दक्षिण में मुख्य शहर एवं उत्तर पूर्व में गुरदासपुर मार्ग प्रारंभ होता है। गुरदासपुर मार्ग पर कुछ ही कदमों की दूरी पर जालंधर मोड़ एवं बटाला का बस अड्डा का परिसर स्थित है। बटाला बस स्टैंड से पंजाब राज्य के समस्त महत्वपूर्ण शहरों हेतु बस सेवाएं उपलब्ध हैं। गुरदासपुर मार्ग शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शुमार होता है। गांधीनगर, मॉडल टाउन, गुरु नानक नगर, प्रेम नगर, सिंबल आदि क्षेत्र इसी मार्ग पर बसे हुए हैं। इसी मार्ग से SDM ऑफिस, सिविल न्यायालय आदि भी जुड़े हुए हैं। यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़कर गुरदासपुर, पठानकोट, जम्मू की ओर प्रस्थान कर जाती है। गांधी चौक से दक्षिण की ओर पुराने शहर की ओर प्रवेश करने वाली सड़क पर दोनों ओर आधुनिक व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित हैं। यह क्षेत्र लोहा मंडी एवं लक्कड़ मंडी के रूप में पहचाना जाता है। ऐतिहासिक शहर होने के कारण बटाला व्यावसायिक रूप से पंजाब राज्य में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। बटाला शहर वर्तमान में गुरदासपुर जनपद की 5 तहसीलों में एक है एवं इसे पुलिस जनपद का दर्जा भी प्राप्त है। शहर क्षेत्र को 2 थाना कोतवाली क्षेत्रों, थाना शहर बटाला एवं थाना सदर बटाला में विभाजित किया गया है। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए सड़क हंसली नाले के पुल को पार करके सिटी रोड के रूप में दक्षिण की ओर बढ़ जाती है। यह क्षेत्र पूर्णतः व्यापारिक केंद्र है। आगे बढ़ते हुए सड़क शेरांवाला गेट पर पहुंचती है। यह पुराने शहर में प्रवेश करने हेतु बने 12 दरवाजों में एक है। शेरांवाला गेट से अंदर की ओर बाजार नेहरू गेट में प्रवेश किया जाता है, जो आगे चलकर चक्री बाजार में जुड़ता है। सिटी रोड स्थित हंसली के पुल से पूर्व की ओर सर्कुलर मार्ग प्रारंभ होता है। इस सड़क पर कुछ दूरी तय करते ही दक्षिण की ओर एक सड़क सिनेमा रोड के रूप में प्रारंभ होती है, जो शेरांवाला गेट की ओर निकल जाती है। सर्कुलर रोड पूर्व की ओर अनेकों प्रतिष्ठानों से गुजरते हुए जस्सा सिंह हॉल के निकट समित रोड से जुड़ जाता है एवं दक्षिण की ओर शहर के एक और मुख्य प्रवेश द्वार खजूरी गेट पर पहुंचता है। इस चौराहे को लवकुश चौक के रूप में भी जाना जाता है। यहां से दक्षिण पूर्व की ओर पहाड़ी गेट क्षेत्र स्थित है। गांधी चौक के निकट पूर्व की ओर प्रारंभ होने वाली शहर की महत्वपूर्ण सड़क जालंधर रोड शहर के आधुनिक क्षेत्रों में एक गिनी जाती है। यह सड़क कुछ ही दूरी पर फव्वारा चौक से गुजरती है। फव्वारा चौक भी शहर के मुख्य चौराहों में एक है।
यहाँ से उत्तर की ओर शास्त्री नगर क्षेत्र स्थित है। जालंधर रोड फव्वारा चौक से पूर्व की ओर बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए इस मार्ग पर अनेकों आधुनिक वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़ते हैं। बटाला के उच्च स्तरीय जीवन की झलक इस क्षेत्र में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। बटाला शहर को देखकर प्रायः कोई जिला मुख्यालय स्तर का शहर ही प्रतीत होता है। जालंधर रोड पूर्व की ओर बढ़ते हुए हसली नाले के पुल से गुजरता है, जहां से दक्षिण की सड़क खजूरी गेट की ओर निकल जाती है। जालंधर रोड यहां से पूर्व की ओर बढ़ते हुए बारादरी, हाजिरा पार्क, बैरिंग कॉलेज, शेरसिंह पैलेस आदि क्षेत्रों से गुजरते हुए कादियान चुंगी से गुजरता है एवं दक्षिण की ओर मुड़कर गुरु नानक कॉलोनी, नारायण नगर आदि क्षेत्रों से गुजरते हुए ब्यास, जलंधर की ओर प्रस्थान कर जाता है। गांधी चौक से उत्तर की ओर जाने वाली सड़क डेरा बाबा नानक रोड पर भी शहर का बड़ा हिस्सा निवास करता है। यह सड़क रेलवे ऊपरगामी सेतु से होकर डेरा बाबा नानक की ओर प्रस्थान कर जाती है। बटाला जैसे महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक शहर में आना और इसे कैमरे में कैद करना मेरे लिए अनूठा अनुभव था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बटाला शहर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो बटाला शहर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।